हम लोग आए हैं भुजड़ी गांव है, भुज तालुका के अंदर, भुज कच्छ। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बढ़िया होता है। और बाकी यहाँ पर अभी एक म्यूजियम है, अभी आपको म्यूजियम दिखाने चल रहे है। ये गांव का ये मार्केट है। अभी आप देख रहे हैं, अभी गांव की गांव आ रहा है बच्चा, और आगे जाके सब दिखाएंगे। ये है हैंडीक्राफ्ट जो हम बोल रहे थे, यही गुजरात का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का सेंटर है ये। और अभी हम चल रहे हैं आगे, आपको जो म्यूजियम है वो दिखाएंगे। ठीक है, होल्ड कर। यहाँ का ये हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस है वो बड़ा ही विश्व स्तरीय है। कई देशों के लोग यहाँ इस तरह की ये कपड़ा खरीदने आते हैं, और यहाँ कुछ लाजवाब बनता भी है। ये गांव प्रसिद्ध भी इसी तरह है। यहाँ जैसी हैंडीक्राफ्ट वस्तु कहीं मिलती नहीं है। गांव का नाम क्या है? भुजड़ी, भुजोड़ी, भुजोड़ी, भुज तालुका के अंदर जो गांव है, पर यहाँ की कला वर्ल्ड फेमस है। पर ये किनारा पता कैसे आ रहा है? गोवा में इस तरह पहले आता है, फिर बीच आ जाता है, है? आपने देखा कभी? गोवा में पहले इस तरह का आएगा सारा सिस्टम, और उसके बाद आगे लास्ट पानी आ जाता है, वैसा दिख रहा है ये। गोवा जाओ तो मुझे मैसेज तो किया करो कभी, मडगांव मेरे दोस्त की होटल है। अच्छा, मतलब पूरा गोवा एक तरफ और वो एक उसकी रेट एक तरफ। वो वहाँ का क्रिश्चियन है, पैसा लेता है, पर उसका पैसा कभी दुखता नहीं है। सही, ऐसा आदमी है। 800 रुपए में मेरे को 31st को रूम देता है वो एसी, और सामने उसका समुंदर, बीच में उसका रेस्टोरेंट और बार, और पीछे उसकी झोपड़ी, और खुद ही देखता सारा, किसी को लीज पे नहीं दे रखा। कल भंगा आधा दिखाया था, आज पूरा दिखाएंगे। एक वीडियो तो ढंग का ही बनाएंगे। कल राम जी ने तो क्या, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, और राम जी ने वीडियो बनाने में और मोबाइल देने में कमी नहीं छोड़ी। मेरा कांच बंद है, वापिस ऑन करो। एक कांच खोल रखा है मैंने, और एक पानी पिलाऊं आपको। की नहीं करूं, पानी पियो। यहाँ आती है, वहाँ ATM भी आता है। गांव का नाम भुजोड़ी है कच्छ में, पर यहाँ परसों तक कुछ नहीं था, आज यहाँ ATM भी लग गए। और इसका सबका राज क्या है, वहाँ जा रहे भुजोड़ी। और ये काउंटर टिकट सेंटर, ये गेट है, ये हमारे दोस्त टिकट ले रहे हैं। टिकट काउंटर की लाइन है, और लगभग मुझे लग रहा है कि टिकटें फुल हो गई। फुल हो गई तो हम बाहर से देखेंगे, और मिल गई तो हम अंदर से देखेंगे। ये भुजड़ी म्यूजियम है, ये बहुत ही फेमस है। पार्किंग, यहाँ गलीचे, यहाँ का VIP बना बड़ा ही। ये बच्चे देख के आ रहे हैं, इतने खुश हो रखे हैं। इन्होंने लिख रखा है हेरा लक्ष्मी मेमोरियल परिक्रमा, हार्दिक स्वागत है। हेरा लक्ष्मी परिसरना मुख्य आकर्षण, और ये संसद भवन जैसी बिल्डिंग है, किले जैसा दिख रहा है, तो कुछ क्वालिटी तो है भाई। भारत की संसद जैसी जगह लेके आए राम जी।
हैं, ऐसी जगह एक देखी थी हमने। अभी तो क्या अपन सूरज के पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। अपन सामने ही लग रहा है कि इंडिया की संसद है। बहुत मस्त मनाई, गुजराती में क्या बोलते हैं, बहुत मस्त बना। हाँ मजा आ गया भैया, बहुत बढ़िया मजा आया। ये देखो ये गुजराती में क्या लिख रहा है भाई राम जी भाई है? क्या लग रहा है ये गाड़ी गिरे नो कौन सा? ये नाम क्या फुरवाड़ा? कारीकरण ब्लॉक में आपको हार्दिक स्वागत है। जिसने बनाया उसका फोटो और नाम लिख रखा है। और ये देखो भारत की असेंबली दिखाते हैं हम आपको। नाइट डेकोरेशन होता है, अभी अंदर का म्यूजियम अभी चालू है, वो नाइट को ही होता है। शाम को जो म्यूजियम है ना वो अपने राजसमंद जिले में नहीं है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की तरह है ये। शाम को डेकोरेशन लाइट जो होता है वो यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। गांधी जी आ रहे? हाँ गांधी जी तो पूरे भारत में हर जगह आ ही रहे हैं। और ये तो गांधी जी की गाड़ी है, गांधी जी की नगरी है। और गांधी जी हाँ वो दिखाएंगे। ये गांधी जी की पूरी टीम है। और अब देखो अब ये थोड़े से हम सूरज की पूजित दिशा में, मतलब इसकी आड़ में ऐसा लगा है ना, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। और ये भारत की असेंबली संसद जैसी बिल्डिंग बनाई है। मोदी जी ने अपने गुजरात स्टेट को कैसे क्या बना दिया, एक छोटा सा गांव था जहां कुछ नहीं था, वहां भी आज है ना दुनिया देखे ऐसा भूतड़ी गांव को बना दिया जहां वर्ल्ड की दुनिया आती है और देखती है। और गांधी जी तो उधर बहुत ही स्पेस में बैठे, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखो यहाँ अभी भी वेटिंग कर रहे हैं लोग, इसके अंदर म्यूजियम है, म्यूजियम देखने के चक्कर में। इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी सुंदर शानदार बच्चे। ये हम इसके एंट्री गेट पे आ गए हैं, एक द्वार पार कर लिया, अब हम अंदर वाला म्यूजियम देखेंगे। और ये म्यूजियम की लाइन है, और म्यूजियम से पहले ये इतना अच्छा परकोटा बना हुआ है, और इतनी अच्छी सीनरी मैंने कभी देखी नहीं। इतना सुंदर बुजड़ी गांव, किसी ने नहीं सोचा होगा इस गांव का इतना अच्छा कायाकल्प हो। पर वो कहते ये तो वो देश है जहाँ था क्या, ये नहीं क्या हो सकता है, वो देश है ये भारत है। भाई अब हमारा टिकट कंफर्म हो गया है, और ये भाइयों ने पता किया है इस असेंबली में फ़ोन लेके जाना लव नहीं। हाँ भाई क्या हुआ? अभी अंदर जाने का ही है। हाँ दो पाँच मिनट में। हाँ और फोन सब पॉकेट सब यहाँ पर बाहरी लॉकर में रखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ काका के पास सब यहाँ निषेध है, ये तो असेंबली वाले नियम है यहाँ तो सारे, और संसद है तो उसी हिसाब से नियम है ना। ये गाँव भूतड़ी हुआ तो क्या हुआ, फिर भी भाई प्रधानमंत्री जी की नगरी है ना। और वो सामने देखो गांधी जी बैठे बड़े अच्छे आराम से पार्क में है। गांधी जी की पूजा तो दुनिया में होती है भाई। हम आएंगे तब तक शायद अंधेरा हो जाए, इससे पहले आपको कुछ छोटा सा दृश्य दिखा देते हैं। ये भूतड़ी गांव का म्यूजियम है जिसके अंदर हम जाने वाले हैं, और अभी वो अगला शो चल रहा है। ये उसका वो अपोजिट गेट है, एग्जिट गेट। इससे पहले जो सुंदर का देखो ये सारा फेक है। राम राम। राम राम। कैसा बढ़िया? अरे बहुत बढ़िया, ये देखो कितना अच्छा म्यूजियम बना रखा है। ये देखो जैसे दिल्ली है, और यहाँ दुनिया को आपको छोटा सा सीन दिखाते हैं। और देखो गांधी जी और गांधी जी का चरखा तो हमेशा अगल बगल में होता है। अब आप में से किसी को गुजराती पढ़ना आता तो देख लो कारीगर नो क्लास, तो आपको हार्दिक स्वागत है। ये यहाँ की वेशभूषा वाली औरतों के गहने है ना, नाक में कितनी बड़ी वाली मोहरी होती है।
गांधी जी बड़े तसल्ली पूर्वक बैठे थे, अहिंसा के पुजारी थे, तसल्ली से तो बैठना ही है। ये आपको हमने दिखा पूरे बच्चे उनके स्टूडेंट सब कच्छ में आते हैं ना, तो भूतली जरूर देखना। इसका मतलब है आपने एक दिल्ली देखा, आपने एक संसद देखा, और संसद का सेम रूप है। मोदी जी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया वो बाद की बात है, पर आज भी देखें तो इस छोटे से गांव में भारतीय संसद है। अब गांधीनगर की तरह यहाँ भी फुहारे चल गए हैं, और इतना अच्छा पत्थर, इतनी अच्छी दीवारें, और ये असेंबली वाले पिलर, और सेम डेकोरेशन, और सामने से आपको हम अभी दिखाते फुहारे। अभी फुहारे चालू हुए हैं, नाइट को तो ये और भी अच्छे दिखते हैं, और बच्चे खेल रहे हैं। क्या सुंदर सीन है, हमारी छुट्टियों की तो ज़िंदगी बन गई। देखो मैडम आराम से सीढ़ी में बैठ के विचार कर रही है, है? एक फोटो ले रहे हैं। अब हम है ना हमारे फ़ोन को यहीं पे बंद करके अंदर जा रहे हैं, तो आपको ये गांव, ये याददाश्त, ये सब आपको आराम से देखना चाहिए। तो राम जी भाई चले भले बंद कर दे भाई सिस्टम को, सिस्टम बंद कर दो, अभी शो चालू और पूरा लगने वाला है। काका ने कहा कि शो पूरा होने वाला है और हमारा शो लगने वाला है, या फोन वोन सब बैन है। तो आज के छोटे से वीडियो में सबसे निवेदन एक ही रहेगा कि हमें वीडियो बराबर बनाना आता नहीं, और हमें ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती, बट जो है वो देसी है, अपना है, स्वदेशी है। और अपनों को तो देखो, दुनिया को देखो या मत देखो, एक देसी आदमी आपके लिए कुछ कर रहा है वो भी आपके लिए एक अपने आप में गर्व है। जब भारत की संसद दिल्ली में है, उसका एक छोटा सा रूप यहाँ गुजरात स्टेट में बना दिया, ये देखिए असेंबली का छोटा रूप, और ऊपर वो तिरंगा लहराता हुआ देखो, वंदे मातरम, जय हिंद। ये देखिए हाँ, सब्सक्राइब तो करना ही करना, देखना टू फाइव। भारत तो बहुत बड़ा है, भारत का किसी ने आज तक अंदाजा नहीं लगाया, फिर भी भारत को जिधर से देखते हैं ना, ये देखो ये बच्चे जो इस तरह करते हैं, तो ऐसा लगता है कि तो हिंदुस्तान सबसे छोटा पार्ट है, पर पूरी दुनिया गुरु कहती है, उसके क्या है, जगह बड़ी थोड़ी होती है, किताब बड़ी थोड़ी होती है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, और सोच बड़ी है तो दुनिया आपके पीछे है। जगह बड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये गाँव है, ये जगह है, आपके जाने के बाद ये वीरान है, आप हो तब तक ये सुंदर है। आप जहाँ आना जाना नहीं करते हो ना, तो ये जगह कितनी सुंदर हो, देखा किसने, सुना किसने, और बताया किसको। आप अपना कर्म करो, कर्म आपको कभी धोखा नहीं देगा, बाकी चीजें सब आती और जाती रहेगी। ध्यान एक ही है, जब तक आपके पास पढ़ने का समय है तब तक पढ़ो, जब पढ़ाई का टाइम आउट हो जाए तब मजे लेना चालू कर देना, नहीं तो पढ़ाई कम पड़ेगी ना मजे। मेहनत करके कुछ बड़ा बन के मुझे एक मैसेज करना। अब हम उस गेट में से घुस के एक छोटी सी गुड़िया के मोबाइल में मेरा दोस्त तो पापा का वीडियो कॉल आया, वही बस दिखा रही है। हाँ, वीडियो कॉल आया पापा का, क्या बात है। हाँ हाँ, ये देखिए आप, जहाँ सोचा नहीं वहाँ इतना अच्छा हो सकता है ना, तो अपने सोचने वाले कौन है। ये देखिए भाई, बहुत सुंदर छे, गुजराती में क्या बोलते, बहुत सुंदर छे, दूध सागर डेयरी यही है क्या।
तो अब देखो गांधी जी के साथ में कौन कौन बातें करते थे, कौन सा अंग्रेज किस टाइम मिलता था। गांधी जी ये बकरी का क्या कर रहे हैं, बकरी है क्या? महात्मा गांधी समूह समारोह लग्न वगैरह देखो गांधी जी ने वो बलि देते थे जानवर की, उस बलि का विरोध किया, उसकी हिस्ट्री है। परमवीर के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा नाइट परमवीर चक्र इंडिया में जिस जिसने लिया है, जिनने अपने देश सेवा के लिए बलिदान दिया, उनकी ये बहुत अच्छी दिलेरी है। और यार गांधी जी के पास में, और यार गांधी जी यहाँ मिल गए क्या? गांधी जी जय जय भारत। हाँ अरे रियल क्या लग रहा है? अरे गांधी जी एक मिनट, अरे पर इस लेडी की गाथा तो देखो यार, इनने भी अपने जीवन में पता है कितना त्याग दिया। अब किसी महान आदमी की फोटो तो पूरी दुनिया छापती है, इनका भी तो कोई त्याग होगा। वो अंबेडकर जी बैठे वहाँ अभी भी किताब पढ़ रहे हैं, वंदे भारत। अब हम है ना इस गैलरी से बाहर निकले, और इस गैलरी के बाहर अब भी दुनिया है ना ऐसे शाम के टाइम में इतना अच्छा मनोरंजन कर रही है, इतनी अच्छी आर्ट गैलरी, इतना अच्छा इंडिया का नक्शा, इतना अच्छा समय। और हमारे दोस्तों ने जो हमारे को आज समय दिया ना, हमारे दोस्तों ने हमारे को जो समय दिया ना, उसमें बहुत ताकत थी। ये चरखा तो पता है देश आज़ाद तो हुआ था बहुत बाद में, बाकी ये चरखा तो बहुत पहले से चल रहा है। इस चरखे को कई सालों हो गए फिर भी चरखा नहीं रुक रहा है, तो जीवन की गति का मतलब क्या है? जीवन का मतलब है चरखे की तरह चलते रहो, जीते रहो और सूत गूंथते रहो, मतलब आप मेहनत करते रहो। चिकी तो आप कल बोल रहे थे बच्चों के लिए लाऊंगा मैं, उसको क्या बोलते हाँ बाय बाय, अभी अब बाय बाय नहीं करेंगे, अब गेट तक। और भाई ये मैप है, अब बनाने वाला तो पहले होशियार ही बनाता है। यहाँ से हमने एंट्री किया, ये सामने असेंबली थी और उधर वो म्यूजियम था, और सारा सिस्टम इस गांव में जिसने भी डेवलप किया, ये बहुत बड़ा नगर, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाला कोई अच्छे दिमाग का इंसान था। और अभी भी ये हमारे दोस्त हैं, ये बता रहे आपने एंट्री कहाँ से किया, आपने क्या क्या देखा, आपको आनंद कहाँ आया, गांधी जी कहाँ बैठे थे, चरखा कहाँ चल रहा था। ओके, ये खुद के हाथ से बनाया हुआ यहाँ का देशी इस साइड का फोटो जी, ये वाला देखो इसका मैन्युफैक्चरिंग यही है भुजड़ी। तो दादा जी ये भुजड़ी में बनता है? भुजड़ी में बनता है। और यहाँ इनकी कोई फैक्ट्री है क्या है? नहीं, हाथ से बनाते हैं, ये सारा हाथ से बनता है, बनता पूरा। और आज भी ये कह रहे ना कि इस तरफ का फोटो अच्छा इसलिए आएगा कि उस पे स्पेशल चीज है, वो सूरज का रिफ्लेक्शन गिरता है। ये हमेशा फोन बीच में आ जाते हैं। कला ये हाथ से बनाया हुआ है, ये कुदरती कला, ये भोजड़ी गांव की हाथ की कला है, इतनी अच्छे तजुर्बे के। वाह 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 क्या सुंदरता है। भाई जी नमस्ते, कितने सालों से बेचते हो? मेरे को 25 साल हो गए। और ये सारे गांव में बनते? मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद ही बनाते हो? आपकी दुकान यहाँ लगा रखी है गवर्नमेंट की परमिशन से? हाँ, नहीं है, प्राइवेट जी। जी बहुत अच्छा, एक प्रजापति जी जैसे है, और इन्होंने पता है क्या क्या कला यहाँ नहीं बनाई है। अच्छा रेट भी बहुत अच्छी लेकर के फिक्स है, यहाँ कोई माथा पच्ची नहीं करनी, कौन सी हंडी का कौन से कप का, वंदे मातरम म्यूजियम से आप ले सकते हो। ओए ओए क्या घर बनाया, क्या दीवार, क्या कफ। वाह आ जाओ
ये देखो बड़े अच्छे बच्चों के साथ अच्छे से घूम रहे और अच्छे से यहाँ लोग आनंद ले रहे। इस जाम में घूमने का तो कुछ मजा ही आएगा। ये देखिए ये चोर खादी सिस्टम इस गांव की फेमस चीज़ है वो यहाँ और सारी रेटें फिक्स है। जी जी तो एक सेल्फी हो जाए ना अपनी भी। सुनो फोन नंबर देता हूँ मैं जी, बाद में आप मेरे को संपर्क कीजिए। जी यहाँ तो शक्ल बेचने के पैसे लगते हैं। कोई कोई अपनी शक्ल से नफरत करता है, भगवान ने ऐसी शक्ल हमारे को नहीं दी। अच्छा लगा ओए 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 हैं। वाह वाह राम जी भाई वाकई में जोरदार जगह है। सारे बच्चों को बतख पानी ये सब देख के एक गांव में इतनी अच्छी सुविधा बनाने वाला तो महान था ही, और नाम भी महान है तो काम भी महान है। अरे यार झूले बहुत है, झूले बहुत है, टाइम कम है। ये भाई हम अब इंडिया की संसद को देख के निकल रहे हैं। अब धीमे धीमे हमने ये सारा कुंवारा गैलरी खोखो गैलरी गांधी जी की यात्रा गांधी जी के काम ये सब देख के हम धीमे धीमे हमारे गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। और इतना अच्छा डेकोरम, इतनी अच्छी सुंदरता, इतना अच्छा व्यवस्था, इतना अच्छा छोटा सा गांव और इतना सिस्टम से बनाया हुआ। मजा आ गया आपने इस जो शहर में घुमाया ना। अभी और घूमने का बहुत बाकी है। ये भले ही गांव है पर शहर से कम नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया जैसा गेट है। ओहो क्या बात है, क्या बात है। आज तो हमारे इंसान मिल गए भाई। राम 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 भाई राम राम। ठीक है हमारे साथ फोटो पॉइंट मिली। फोटो तो बनता है, फोटो तो बनता है ये ना। उनका सिरोही में बहुत बड़ा फार्म है। अच्छा, कभी ये यहाँ गांधी धाम ही है अपने दोस्त है। अच्छा अच्छा साहब ने क्या करा आपका बताओ। कभी हम आपके वहाँ तक नहीं आ पाए यार, बच्चों को लेके आ गया था। बहुत अच्छा किया, कोई काम हो तो मुझे फोन करना। मैं आज खड़े नहीं सकता, जाएंगे ना। सेवा पानी को भी जरूरत है बताऊँ। नहीं पर फिर भी देखो जब हम मिल ही गए आपके छोटे भाई तो हक बनता है। ठहरने करने के लिए कोई बढ़िया होटल खाएं वो बता देना। होटल बुक नहीं होगा, नंबर है सर नंबर तो है। अभी क्या है कि थोड़ा बुकिंग का प्रॉब्लम रहता है। थोड़ा क्या था कि अपन जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी नहीं, फिर भी अपन जो मदद होगी वो करेंगे।